सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और तब तक वह संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि वो संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता था। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम। बचपन, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं और उनमें से कुछ यहां पर हम आपको बता रहे हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। अध्यापिका बच्चों को चिड़ियाओं के बारे में एक कहानी बता रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह खड़ा हुआ और अध्यापिका से प्रश्न पूछा, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। महोदया, मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, छोटे बच्चे ने कुछ एक क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग भी पंख नहीं रखती हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। देखो कितना, मतलब उसने दिमाग से, अपने दिमाग में सोचा कि मनुष्य के पंख नहीं होते, वो तो इसलिए नहीं उड़ता, लेकिन पतंग भी पंख नहीं रखती है, उसके भी पंख नहीं होते, और फिर भी वो आकाश में उड़ती है। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी अन्य लड़के हंस पड़े, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया, क्योंकि उसको अपनी थोड़ी इंसल्ट महसूस हुई जब सभी बच्चे हंस पड़े।